हर चुनाव में कुंडा को बदनाम करने वालों की एक मुहिम चलती है और जो गठबंधन कुंडा में होता है पूरे भारत में यह गठबंधन कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये अलबेला बेमेल गठबंधन, सिद्धांतहीन गठबंधन, ये सिर्फ कुंडा में ही मिलेगा। ढेर जगह तो दौड़त रहे लखनऊ और दिल्ली, चुनाव निरस्त कराओ एक बार। सारे पत्रकार बंधु हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा बहुचर्चित चुनाव हुआ कुंडा का। और कोई भी चुनाव होता है तो आप लोग जब जाते हैं इंटरव्यू लेने के लिए किसी से कि सर क्या मुद्दा है, किस मुद्दे पे वोट देंगे, तो कहा विकास के नाम पे वोट देंगे। हाँ सर, आप किस पे वोट देंगे? विकास के नाम पे वोट देंगे। कहने के लिए आदमी ये कहता है कि विकास के नाम पे वोट देंगे, लेकिन क्या विकास के नाम पे ही वोट पड़ता है? यह भी बहुत चिंतनीय बात है। एक बार आपने अक्सर देखा होगा लोग इस तरह का चिन्ह बनाते हैं, ये वी चिन्ह जो है, वी फॉर विक्ट्री। तो 2 सितंबर 1945 को जब विश्व युद्ध समाप्त हुआ, विंस्टन चर्चिल प्रधानमंत्री थे, वो बाहर निकले पार्लियामेंट के, जनता के साथ माइक नहीं थे, लोग परिणाम जानना चाह रहे थे कि विश्व युद्ध में हुआ क्या, कहां, एक महत्वपूर्ण घोषणा आज होनी है। जनता इतनी ज्यादा थी कि चर्चिल ने उंगली उठा करके ऐसे इशारा किया और लोग समझ गए कि विश्व युद्ध में हमारी विजय हो गई, एलाइड फोर्सेस की, एक्सिस फोर्सेस हारे और एलाइड फोर्सेस जीती। तब से ये चलन चल गया कि विक्ट्री विजय। और हमारे यहां जो शब्द है विकास, वो भी वी से ही शुरू होता है, लेकिन विकास के साथ साथ वी से शुरू होने वाले दो और बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं। विकास के साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है व्यवहार। सड़क नाली खड़िंजा बिजली तो बन रहा है, लेकिन आपकी बोलचाल कैसी है, आपका व्यवहार कैसा है, यह भी बहुत मायने रखता है। आप चुनाव लड़ रहे थे, आपका व्यवहार कैसा है? आप चुनाव जीत गए हैं, उसके बाद आप किस तरह से। एक और वी से शब्द है विचारधारा। आपके विचार क्या है, आपके सिद्धांत क्या है? तो ये तीन मैं समझता हूं कि ये सबसे महत्वपूर्ण तीन वी, विकास लेकिन साथ में विचारधारा और व्यवहार। हम शुभकामनाएं देते हैं उषा जी त्रिपाठी को और सभी सम्मानित सभासदों को कि इस पैमाने पे वो खड़े उतरेंगे। और अभी तक जो कुंडा में चलता रहा है उसमें बहुत सुधार की आवश्यकता है। ये हर चुनाव में कुंडा को बदनाम करने वालों की एक मुहिम चलती है और जो गठबंधन कुंडा में होता है पूरे भारत में ये गठबंधन कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये अलबेला बेमेल गठबंधन, सिद्धांतहीन गठबंधन, ये सिर्फ कुंडा में ही मिलेगा। ढेर जगह तो दौड़त रहे लखनऊ और दिल्ली, चुनाव निरस्त कराओ एक बार। गलत नहीं कहा, सारे अधिकारी सारे लोग कुंडा पूरे टाउन में आप घूम के एक भी व्यक्ति को अगर आपको मिल जाए जो ये कहे कि हमको वोट नहीं देने दिया गया, तो एक भी व्यक्ति आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कहे कि साहब हमको वोट नहीं देने दिया गया। नहीं, लेकिन कुंडा है, कुंडा का चुनाव शांतिपूर्ण कैसे संपन्न हो सकता है? इसमें तो हिंसा होनी चाहिए, इसमें दंगे होने चाहिए, इसमें बदनामी होनी चाहिए। इस पे अवश्य विचार करिएगा कि जो लोग कुंडा को जाकर के लखनऊ और दिल्ली और राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर और पत्रकारों के सामने जो लोग बदनाम करते हैं, उनके उस कुंठित कार्रवाई में कितनी सच्चाई है। कुंडा तो बुलंद सितारा की तरह चमक रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में और हमेशा चमके, और पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे भारतवर्ष में। और इसको चमकाने का, बेदाग रूप से चमकाने का दायित्व तो हम सभी लोगों का है और उसमें हम सभी लगे हुए हैं। आज शपथ ग्रहण समारोह के अवसर पर उन सभी कर्मठ सहयोगियों को भी आभार व्यक्त करना चाहते हैं जिन्होंने दिन रात प्रचार किया, और हमारे उन सभी साथियों को जो जनसत्ता दल के सच्चे शुभचिंतक हैं, अनुशासित हैं, जो कुंडा टाउन एरिया से चुनाव लड़ना चाहते थे लेकिन जब उषा जी त्रिपाठी का नाम फाइनल हुआ तो इनके चुनाव को अपना चुनाव मान करके पूरी मेहनत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ पार्टी को जिताने में उन्होंने अपना पसीना बहाया। उन सभी लोगों का
नाम लेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, उन सभी लोगों के लिए हमारे हृदय में बहुत सम्मान है। इतना अवश्य हम आपसे चाहते हैं, अक्सर हम कहते भी हैं कि जैसे कोई अस्वस्थ होता है, कोई बीमार है, डॉक्टर के पास जाता है, अपनी बीमारी बताता है और डॉक्टर उसका इलाज करता है, तो ठीक उसी तरह आपके पास डॉक्टर्स की टीम जो है वो बहुत तगड़ी है, बहुत अच्छी है। कोई ऐसी बीमारी, कोई ऐसा कष्ट नहीं है जिसका इलाज न हो, लेकिन मर्ज बताना आपकी जिम्मेदारी है, समस्या बताना आपका काम है। कई जगह बेटी में जैसे जनता दर्शन कार्यक्रम में बैठे कहें साहब ऐसा है कि एक महीना से ट्रांसफार्मर हमारा जला है गांव से, हम कहीं ऐसा न माना हम भाई से माना, भाई जब बतावा था दवा दे तो डॉक्टर को ये ना बताइए कि साहब छह महीने से बुखार आ रहा है। डॉक्टर तभी दवा देगा जब आप उसको जाके बताएंगे कि हमको बुखार आ रहा है, और उसकी अवधि तब से गिनी जानी चाहिए कि आप अभी आए अपनी समस्या बताने के लिए। तो ट्रांसफार्मर अगर जले या कोई समस्या हो बताने में विलंब न करें। आजकल तो फोन का समय है और इतने कर्मठ सभासद आपके विजयी हुए हैं, शिवकुमार जी हैं, उषा जी हैं, सभी लोग हैं, एक आवाज ही आपको लगानी है, कोई भी समस्या हो उसका समाधान होगा। और जैसा कि हमने कहा, परिवार बहुत बड़ा है, विश्व का सबसे बड़ा परिवार अपना जनसत्ता दल परिवार है। ये कोई राजनीतिक कार्यकर्ताओं का समूह नहीं है, ये एक परिवार है। और परिवार जब बड़ा होता है तो थोड़ी बहुत अनबन उसमें हो जाती है। गोपाल भैया कहां समझ के कहें, हम एका नहीं, लेकिन हम खुल के प्रश्न कर रहे हैं क्योंकि परिवार में खुल के बात हो। देखिए सर, मान लीजिए आप कक्षा के अध्यापक हैं, तो जो छात्र उदंडता करेगा, जो शरारत करेगा, दंड उसको मिलना चाहिए कि सारे छात्रों को मिलना चाहिए? जो शरारत करेगा, या आपके घर में आपके और आपके भाई के मान लीजिए चार छह बच्चे हैं, तो जो शरारत करेगा, जो उदंडता करेगा, उसको आप दंडित करेंगे कि सबके एक तरफ से पीटा शुरू कर देगा, है ना? तो इस पर विचार करिएगा कि कहीं किसी दूसरे का गुस्सा आप हमारे ऊपर तो नहीं उतार रहे हैं। जैसा कि गोपाल जी ने कहा, और ये आज के इस ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह की एक बार पुनः पूरे कुंडा परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। मंचासीन सभी विशिष्ट जन, सभी हमारे पत्रकार साथी, और आप लोग लिखा करिए कि इतना कुंडा 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 सब लोग चिल्लाते हैं, यहां के जैसा शांतिपूर्ण चुनाव नहीं होता है कहीं। टीवी पे आपने वो नजारे भी देखे हैं जहां थाने के अंदर लाल जूता चल रहा है, देखे कि नहीं देखे हैं? और बदनाम करेंगे कुंडा को, तो ये आप लोगों का भी दायित्व है कि बदनाम करने वालों को बेनकाब करें। एक बार पुनः सभी साथियों को, सभी वरिष्ठ जनों को, सभी प्रशासनिक अधिकारियों को भी हम आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए। और एक बहुत अच्छा कार्यकाल उषा जी का बीते, और सभी हमारे जो सम्मानित सभासद हैं आप लोगों का एक बहुत अच्छा कार्यकाल बीते, इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।